हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्ज़ाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताते चलूँ, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की तरफ से जीई के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। एग्जामिनेशन फॉर्म भी यहाँ पर भराया जा रहा है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट 26 तारीख आपका रखा गया है। इसके साथ साथ एक यहाँ पर नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाला गया है, यानी कि एक सूचना निकाला गया है विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की तरफ से। जो भी यहाँ पर जीई का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने सोचा क्यों नहीं इस वीडियो में आपको कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि आखिर मेरा कितना एग्जामिनेशन होगा, हाउ मेनी एग्जाम हमको यहाँ पर देना पड़ेगा। इस पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें आपका एग्जाम डेट फाइनली मेंशन कर दिया गया है कि कब से आपका परीक्षा होगा, ये भी वहाँ पर मेंशन किया गया है। तो हम इस सारे चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और चलिए हम यहाँ पर नोटिफिकेशन जो आया है उस पर कंप्लीट आपको बताते हैं। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी है जो आपको आगे यहाँ पर पता चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। डियर स्टूडेंट, हो सकता है कि आप नोटिफिकेशन को कहीं से भी देख लिए होंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना। इसके साथ साथ बोल रहे हैं कि स्नातक सेमेस्टर 15 से 18 से 19 से 22 तक के, सेमेस्टर 1 से लेकर 4 तक के बीए कोर बीएससी कोर के परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि जेनरिक विषय के 4 सेमेस्टर के लिए इंटरनल एवं एक्सटर्नल की परीक्षा अलग अलग देनी होगी। ठीक है, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि क्या हमारा जो है एग्जामिनेशन वो कितने फेज़ में होगा। तो मैं आपको बता दूँ, आपका एग्जामिनेशन आपको पता होगा, जैसे कि आप अपना ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उसमें आपका एक फर्स्ट इंटरनल एग्ज़ाम होता है, इसके साथ साथ एक आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। इंटरनल एग्ज़ाम बेसिकली आपके कॉलेज से में कंडक्ट करवाया जाता है और एक्सटर्नल एग्ज़ाम मेनली आपके एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पर सेंटर पड़ता है वहाँ पे होगा। तो बेसिकली यहाँ पर वही बोला गया है कि सेमेस्टर जो आपका विषय है जेनेटिक विषय के चारों सेमेस्टर के लिए आपका एक इंटरनल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और दूसरा एक्सटर्नल एग्ज़ाम। इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो आपके कॉलेज की तरफ से लिया जाता है, आपको पता होगा, और कॉलेज में ही लिया जाएगा। और एक्सटर्नल एग्ज़ाम आपका जहाँ पर सेंटर पड़ेगा, एडमिट कार्ड आएगा, वहाँ पर आपको लिया जाएगा। क्लियर है? तो वहीं पर लिखा हुआ है कि परीक्षा अलग अलग देनी होगी, यानी कि इंटरनल अलग देना होगा और एक्सटर्नल अलग देना होगा। बिल्कुल आप इसी से समझ गए होंगे कि आप लोगों का टोटल 2 एग्जाम होगा, जिसमें आपका पहले इंटरनल एग्जाम लिया जाएगा, देन आपका एक्सटर्नल एग्जाम जो सेंटर पे होता है वो लिया जाएगा। इंटरनल एग्जाम के लिए लगभग यहाँ पर सभी कॉलेजेस की तरफ से डेट निकाल दिया गया है कि एग्जामिनेशन आपका कब कंडक्ट कराया जाएगा कॉलेज के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है, इंटरनल की परीक्षा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा असाइनमेंट मोड के माध्यम से ली जाएगी एवं एक्सटर्नल की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा अगस्त के अंतिम सप्ताह में संभावित है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपका इंटरनल एग्जाम है वो आपका मे बी हो सकता है कि असाइनमेंट मोड, देखिए ये आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से बोला गया है, बट कॉलेज बहुत सारे हैं जो यहाँ पर टाइम टेबल भी निकाल दिए एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो आप कॉलेज में जाकर पता कर लो कि असाइनमेंट जमा करना है। अगर असाइनमेंट जमा करना होगा तो बेसिक सी बात है, आपको वहाँ पर टाइम वो देंगे। क्लियर है? तो असाइनमेंट मोड में बोल रहे हैं कि यहाँ पर एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, बाकी आप कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लो, जैसे भी एग्जामिनेशन लेते हैं इंटरनल एग्जाम वैसे आपको देना पड़ेगा। असाइनमेंट मोड होगा तो असाइनमेंट मोड, और नहीं तो फिर आपका वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे कुछ मार्क्स का जो कि इंटरनल का रूल के अकॉर्डिंग होता है, तो वो आपका कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इससे ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप यहां पर कॉलेज के ग्रुप या फिर किसी भी माध्यम से आप वहां पर कॉलेज को कॉन्टैक्ट करो ताकि वो आपको बता पाए। इंटरनल एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहां पर अगर हम इंटरनल एग्जाम नहीं देते तो क्या हम पास हो जाएंगे? तो आप बिल्कुल नहीं पास हो पाएंगे। अगर इंटरनल एग्जाम में एबसेंट हो जाता है तो एक्सटर्नल एग्जाम देकर भी आप यहां पर रिजल्ट आपका पास नहीं हो पाएगा। इंटरनल एग्जाम उतना ही जरूरत है जितना आपका एक्सटर्नल एग्जाम जरूरत है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है, जो एक्सटर्नल यानी कि जो सेंटर पे परीक्षा होगा फाइनल एग्जाम जी का, वो परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा अगस्त में, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सिटी के तरफ से आपका अगस्त में अंतिम, अगस्त के अंतिम सप्ताह में संभावित है, यानी कि अगले मंथ। ठीक है, अगले मंथ, अभी तो आपका जुलाई चल रहा है, उसके बाद अगला मंथ में आपका सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका अंतिम सप्ताह में लगभग यहाँ पर 20-25 तारीख तक आपका कंडक्ट कर लिया जाएगा। जेनरिक विषय की इस परीक्षा में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के छात्र ही सम्मिलित होंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर बोला जा रहा है, जेनरिक विषय में इस परीक्षा में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के छात्र ही सम्मिलित होंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो 13/7/2023 को निकाला गया है,
और यहाँ पर देख सकते हो आप विज्ञापन संख्या भी यहाँ पर मेंशन है। इसके साथ साथ बता दूँ ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके वेबसाइट पर अभी अपलोड नहीं किया गया है, हो सकता है कुछ देर के बाद अपलोड कर देंगे, बट ये नोटिस जो है वो एक तरह से ओरिजिनल नोटिस है, क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, कल जैसे एक वीडियो मैंने बताया था कि जो भी स्टूडेंट का सेशन 15 से लेकर 17 तक है, ठीक है, 2015 से लेकर 17 तक है, ठीक है, इन सभी लोगों को यहाँ पर आपको जो फॉर्म भरना है, जैसे अलग यूनिवर्सिटी के BBMKU विनोद बिहारी मातो कोलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के जितने भी छात्र 15 से 17 के बीच पास हुए वो भी यहाँ पर BBU के ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर ही अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे। क्योंकि मैं बता दूं 15 से लेकर 17 तक के जितने भी कैंडिडेट थे उनका सभी का एफिलिएशन जो कॉलेज का था यानी मान्यता प्राप्त था वो आपका BBU हजारीबाग से था। 18 से यहाँ पर अलग हुआ था मे बी, और 18 के बाद 18 और 19 वाले ये दो सेशन वाले BBMKU के अपने ऑफिशियल वेबसाइट में भरेंगे, क्योंकि कल इस पर कंप्लीट वीडियो भी बना दिए थे। इसके साथ साथ रिस्पेक्टिव कॉलेज आपका बागमारा कॉलेज, बागमारा एक कॉलेज है जहाँ से नोटिफिकेशन भी निकाला गया था और इस पर हम कंप्लीट वीडियो बनाए थे। और एक चीज़ बता रहे हैं, बहुत लोगों का यहाँ पर बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर रॉन्ग बता रहा है या एरर आ रहा है रजिस्ट्रेशन करने में, तो बिल्कुल आप इसके लिए यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी BBU को कॉल करिए, इनका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, बिल्कुल आप वहाँ पर कॉल करिए, वो आपकी पूरी सहायता करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके साथ साथ कोई परेशानी है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में या कोई आपको दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट करें ताकि आपको रेगुलर हम यहाँ पर मदद कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।